हो चुके हैं। आ हुणे हुणे एक गाना आया कि जट दे उत्ते ओ केस चलदे जिहड़ा संजय दत्त दे उत्ते केस चलदा। संजय दत्त दे उत्ते टाडा अधीन केस दर्ज होया सी। संजय दत्त दे कोलों एक छपंजा फड़ी गई सी, उहदे ते आर्मड एक्ट दर्ज होया सी। पर जिहने ये गाना गाया उस बंदे ने तां बाद दे विच ये बयान दित्ते जी कि मेरे कोले खड़ौने वाली बंदूक सी। पंजाबी फिर भी कहते भी उस्ताद जी कमाल करी जाते हैं, उस्ताद जी बंब ला देंगे, उस्ताद जी ने सिरा लाता। फिर अखीर के उत्ते असीं कहने गाने तो सिर्फ मनोरंजन वास्ते होंगे आ, वो यार कोई सिर भी हुंदा, सिर दे नाल संबंध भी हुंदा। जिहड़ा बंदा ये गल कहता जी कि केस आ जिहड़े मर्दां ते हुंदे आ, कदे केस पिया होवे ना बंदे दीआं कीसियां हो जांदियां। सो इस वक्त पंजाबी सिर तो कम लैण, सानूं संजय दत्त वर्गे आदर्श नहीं चाहिए जिन्हां दे उत्ते केस दर्ज हुंदे आ, जिहड़े जेलां दे विच जांदे आ, जिहड़े आपदे भविख नूं तबाह कर लैंदे। सानूं इस वक्त उन्हां दी लोड़ आ जिहड़े साडे असल आदर्श होणे चाहीदे आ। पहली गल सांझी करन तों पहलां जिहड़ी कि राजनीतिक गलियारां दे नाल संबंधित आ, जिहड़ी कि पंजाब दी राजनीति ते सत्ताधारी धिर भावें कोई किसी भी पार्टी दी क्यों ना होवे उहदे नाल संबंधित है। एक वारी एक मुंडे ने एक बजुर्ग नूं कहा सी कि बापू जी जिहड़ा उह सामणे घर दिसदा, इहनां दी आमदन बहुत है, इन्हां दे घरे पैसा टका खूब आउंदा, इन्हां दे पट्ठे भी आ, इन्हां दे कारोबार होर बड़े आ, जमीन बहुत आ, कारखाने चलते आ, पर इन्हां ने कदे भी ना लंगर लाया, ना किसी कैंसर पीड़ित की मदद की आ, ना किसी बेसहारा छत बना के दिती है, इन्ने पैसे तो करवाना की आ। तो अगों बजुर्ग ने यह उत्तर दिता सी कि पुत देखण नूं इह बहुत उच्चे लोग लगते आ, इन्हां दे कोले बहुत पैसा लगता, पर इन्हां दे हत्थां दे विच ना बरकत है नहीं, इन्हां दीआं नीतां सही नहीं, नीतां ते नीतियां इन्हां दीआं दोवें खराब आ। वह मुंडा कहिंदा जी इह किवें, इन्हां दे कोले तां इन्ना कुछ आ। वह कहना भी जेकर लख रुपया इन्हां दे कोले आउंदा तां इह 1.5 लख रुपये का खर्चा तैयार करी बैठे होंदे आ, जे 2 लख आउंदा तां 3.5 लख रुपये का यह खर्चा तैयार करी बैठे होंदे आ। उस बजुर्ग की बिल्कुल हूब हू गल अज सूबे की सरकार के उत्ते लागू होंदी है। आपां बठिंडे का थर्मल प्लांट आ जिहड़ा वह ढा देना क्योंकि आपां इत्थे विकास के लिए बहुत कुछ करना, यह गल होंदी है। पर जिन्ने मर्जी तुसीं पार्क बना लो, जिन्नियां मर्जी तुसीं सरकारी जमीना वेच लो, सूबे दे सिर दे उत्ते जिहड़ा लखां करोड़ रुपये का कर्जा चढ़िया ये इवें दा इवें रहना, क्योंकि साडी मैनेजमेंट नहीं, साडा कुशल प्रबंधन नहीं। जिवें उस बजुर्ग ने उस घर दे बाबत कहा सी भी जिन्ने क पैसे हुंदे आ उहदे नाल दुगना खर्चा कढ के बह जांदे आ, जदों पैसे हुंदे नहीं उदों कह दिंदे तनखाहां नहीं दित्तियां जाणियां, असीं तां नहीं नौकरियां दे रहे, ते जदों पैसे हुंदे आ उदों चेयरमैन ला दिओ, उदों जी फलानी थान के उत्ते सलाहकार बना लो, उदों जी फलाना उदा दे दिओ, फलाना उदा दे दिओ। यानी कि यह है भी भावें तुसीं पंजाब दीआं सारीआं पंचायती जमीना वेच दिओ, ते भावें तुसीं पंजाब दे बाकी सारे पार्क वेच दिओ, ते भावें तुसीं पंजाब दे जिन्ने मर्जी तुसीं बाकी सरकारी अदारे जिहड़े ओह गहिणे पा दिओ जां वेच दिओ, पंजाब दे सिर दे उत्ते चढ़ी हुई जिहड़ी आ करजे दी पंड, जो इस वक्त पंजाब दे लोकां दा करजे दे विच वाल वाल विन्निया जा चुक्या, जो सूबे दे सिर दे उत्ते लखां करोड़ रुपये दा कर्जा, इहदा कोई हल है नहीं, क्योंकि नीतां ते नीतियां दे विच बहुत वड्डा अंतर हैगा। जेकर साडीआं नीतां ते नीतियां दोनों सही होण तां कुछ ना कुछ बन सकदा, नहीं तां कम्म औखा। सो इस वक्त मत्तेवाड़ा दे जंगल दे बाबत भी गल करनी बनदी है, क्योंकि मत्तेवाड़ा दे जंगल दे मुतलक बहुत सारियां खबरां आ रहियां। पहलां सूबे दी सरकार ने यह गल कही जी कि असीं मत्तेवाड़ा दे जंगल दे विच उत्थे पार्क बनावांगे, सनती पार्क। फिर जदों विरोध कुछ कु लोगों ने छेड़िया तो उस तो बाद गल कही गई जी कि नहीं, असी तो नाल दे पिंडां दी जमीन अक्वायर करके बनावांगे, असी जंगल का एक भी दरख्त नहीं कटांगे, असी इस थान की एक इंच जमीन नहीं छेड़ांगे। पर सवाल हुण एक होर पैदा हुंदा भी जिस तरीके दे नाल बुढ़े नाले नूं बर्बाद करके रख दिता, जिवें सतलुज दरिया दे विच आपां जाणदे किन्ने कारखाने दा गद्दा पानी पैंदा जिहदे करके लखां मच्छियां मर जांदियां, जेकर आंढ गुआंढ दे विच वी कितें सनती पार्क बनदा उत्थे कारखाने लगणगे, जेकर उत्थे होर उद्योगिक इकाइयां लगदियां तां बर्बादी इन्हां जंगलां दी वी होणी आ, इस बनस्पति दी वी होणी आ, उन्हां पशु पंछियां दी वी होणी आ, जिवें कि असीं कुदरती स्रोत तबाह कर दित्ते आ विकास दे नां दे उत्ते, बहुत कुछ होणा बाहरले किसी देश दे विच नहीं हुंदा। साडियां सरकारां इह गल कहिंदियां कि असीं जी कनेडा बना देंगे, असीं अमरीका बना देंगे पंजाब नूं, की कदे अमरीका दे विच, कनेडा दे विच, न्यूजीलैंड च, आस्ट्रेलिया दे विच इहो जिहे फैसले हुंदे आ? मतलब उह अपने वातावरण दे प्रति सुहिरदा। आपां पंजाब नूं जंगलां ते बेलियां वाला गिणदे सी, अज पंजाब मारूथल बन चुक्किआ। असीं उह पंजाबी आ जिहड़े हर रोज़ इह गल कहिंदे आ कि पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, पर मैं कदे कदे इह गल दुख दे नाल कहिंदा कि गैरतमंद पंजाबी गैरतबंद पंजाबी बन चुके आ। मन ते बंद विचला अंतर नहीं सी समझ रहे, अज साडे लई बहादरी, अज साडे लई अणख, अज साडे लई गैरत दे प्रसंग ही होर हुण हो गए। अज असी कलाकारां ने गाने सुन के कहने हक थापड़ के कि आ असी ऐ गैरतमंद हुन्ने आ, पर किन्ने क पंजाबी आ जिहड़े ने मत्तेवाड़ा जंगल दे लई उत्थे जाके हादा नारा मारिया,
जिन्हां ने सरकार दे नियमां दे खिलाफ गल कीती आ। आटे लई मरन वाले असी लोग, दाल दे लई मरन वाले असी लोग, मोबाइलों पिछे लड़न वाले असी लोग, सानू कोई परवाह नहीं कि पंजाब किहो जिहा बन गया, पंजाब कित्थों तुरिया सी, किवें इस वक्त किया जा चुकिया। मैं किसी एक पार्टी की गल नहीं करता, मैं निजी तौर के उत्ते मेरी कदे कदे जी करता ये शब्द कहन नू, असी हैगे ही छित्रां दे लायक, साढ़े पैने ही चाहिए आ। वो तां पैने चाहिए आ क्योंकि अज लॉकडाउन आ। तुसीं देखो जो लॉकडाउन खत्म हो गया, किसी भी सियासी पार्टी की कोई रैली होगी ना, उस रैली दे विच हज़ारां दी गिणती दे विच लोग फिर पहुँचणगे। तो वो क्यों पहुँचणगे? क्योंकि शायद संतुष्ट होणगे, अज असीं रौला पाउने आ, फिर उत्थे जावांगे, उन्हां लोकां नूं वोटां फिर पावांगे जिहड़े लोकां तुसीं कल्पे होए आ। फिर असीं कहिंदे जी पंजाबी भोले हुंदे, कोई भोले नहीं हुंदे पंजाबी। असीं असल दे विच आपदे सवाल नहीं करदे आपदे अंदर नूं। असीं मोबाइल दे उत्ते यकड़ मार सकदे दो दो घंटे, असीं जिथे मर्जी बहस करा लो, असीं पार्कां दे विच गल्लां मार सकदे हाँ, पर नेता दे मूहरे खड़ के असीं सवाल नहीं कर सकदे गे कि तैनूं भाई वोटां पाईआं, तूं कीते होए वादिआं विचों किन्ने पूरे कीते आ। असीं इह गल नहीं करनी समर्थ बेलोड़ियां बहसां, बेलोड़े शक, बेलोड़े उलांभे, साढ़े पता नहीं पंडा बन बन के असीं सिर दे उत्ते चक्की फिरदे हाँ। पंजाबियों नूं चिंतन करन दी लोड़ आ कि असीं हाँ की, असीं किन्ने क चंगे हाँ। सानूं सब नूं पता कि फलाणा माड़ा, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਇਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਰੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਵੀ ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ? ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ AK-56 ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਰਮਜ ਐਕਟ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੰਬ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਘੀਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ 2-2, 3-3, 4-4 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਵਰਗੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾਇਕੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਨਗੋਚਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਲਾਂਭੇ ਮੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣਾ ਐਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬਣੀਏ, ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਉਲਾਮੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।